हाँ बताओ। कैसा लगा? मुझे खुशी हुई कि मैं पहली थी देखने वाली। बहुत अच्छी है, फैंटास्टिक फिल्म है। एक ही शब्द में बोलूँगी, पिक्चर बहुत ही बेहतरीन बनाई है। आयान मुखर्जी का डायरेक्शन लग रहा है, मेहनत दिख रही है। हाँ, वो शादी के पहले वाला दिखा। वो जो एक रोमांटिक जोड़ी होती है, दोनों की आंखों में प्यार दिखा। रणबीर कपूर 25 साल के लग रहे हैं और आलिया 16 साल की लग रही है। तो एक न्यू कपल होता है, जैसे न्यू फ्रेश वैसे लगे दोनों, बहुत सुंदर लगे। हाँ हाँ, पैसा तो बहुत लगाया है पिक्चर में। जो VFX इफेक्ट है, आप देखोगे तो आप खुद बोलोगे हॉलीवुड स्टाइल की फिल्म है। हाँ, KGF की सबकी टक्कर की फिल्म है। हाँ, इसके पार्ट्स भी बन रहे हैं 1, 2, 3। तो हैरी पॉटर जैसे सब पिक्चरें आई है इंग्लिश की, वो हॉलीवुड टक्कर की फिल्म है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ उसको। तो पैसा तो यूज़ हुआ है पूरा। मुझे सबसे अच्छा केसरिया लगा सॉन्ग। हाँ, बाकी भी सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, म्यूज़िक अच्छा है। डायरेक्शन ही मैं बोल रही हूँ कि उनकी मेहनत दिखाई दे रही है। सबसे अच्छा VFX इफेक्ट जो है पिक्चर में, वो बहुत ही बेहतरीन है। उसकी वजह से पिक्चर मैं बोलूँगी आधे से ज़्यादा अच्छी बन गई। बाकी आर्टिस्टों ने कमी पूरी की जिन्होंने अच्छा काम किया। स्टोरी अच्छी है, कहानी, लोग बोल रहे थे आजकल कहानी नहीं है पिक्चर में, कहानी नहीं है। तो इसमें आप कहानी आके देखो, बहुत लंबी कहानी है जो आपको समझनी पड़ेगी। ब्रह्मास्त्र नाइस फिल्म, एक बार ज़रूर देखने आए, नहीं तो मिस करेंगे। वो अच्छी फिल्म देखना मिस करेंगे। मैं 4 दूंगी, क्योंकि 5 दिया तो लोगों को लगेगा पैसा दिया है। है ना? ओके, बाय बाय। ब्रह्मास्त्र जो है, सबसे पहली बात है कि टेक्निकली इट इज़ ऑन पार, और मतलब हॉलीवुड की जो टेक्निकल एक्सेलेंस से टक्कर ले सकती है, और इट इज़ ऑन पार। तो मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर आयान मुखर्जी इस मिलेनियम या इस ये डिकेड जिसे 10 साल बोलते हैं, शोमन साबित हो जाएगा कि उन्होंने जिस तरह से माउंटिंग की है और प्रोडक्शन वैल्यूज़ की है, तो बहुत ही बढ़िया है। और ख़ास तौर पे ये फिल्म 3D मतलब 3D मतलब उसमें देखोगे तो बहुत ही अलग एक मज़ा आता है। परफॉर्मेंस वाइज बच्चन साहब तो है ही, मतलब सुपरस्टार हैं और सुपर एक्टर है, तो उनका मतलब कोई जवाब नहीं है। इस फिल्म की हाईलाइट सबसे बड़ी वही है जो मुझे भी इंटरेस्ट था देखने में, कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जो स्क्रीन पे केमिस्ट्री कैसे छा जाती है। और मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि दोनों स्पॉन्टेनियस नेचुरल एक्टर थे और उन्होंने बहुत बखूबी से अपना परफॉर्मेंस दिया है। गाने में हो या इंटरेक्शन जो है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और इसमें सरप्राइज एलिमेंट तो नेगेटिव रोल में मौनी रॉय है, जो हालांकि TV स्टार के हिसाब से उनकी बहुत ज़्यादा उनकी शोहरत है, लेकिन इस फिल्म में इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके कि पूरा नेगेटिव रोल उनके ऊपर ही, मतलब फिल्म कैरेक्टर दिया गया है उनको जुनून का। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये फिल्म डेफिनेटली देखने लायक है, क्योंकि एक 3D का जो एक मज़ा है, जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स है और बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात है, तो बहुत ही मज़ा आता है। और जो उन्होंने स्पेशल जो शूटिंग के सेट्स पे या लैंडस्केप पे और लोकेशंस या VFX जो किए हैं, वो भी एक बड़े पर्दे पर बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं कहूँगा कि बजाय आप छोटे सेलफोन में या लैपटॉप में देखने के बजाय, ऑडियंस को थिएटर में आके देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 3D वाली स्क्रीन पे जाकर देखें, तब उनको एक मतलब अलग ही एक्सपीरियंस अनुभव होगा। हाँ, 5 में से मैं 3.5 3.5 स्टार दूंगा, जस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ आलिया भट्ट, रणबीर कपूर एंड बच्चन साहब एंड मौनी रॉय, एंड जो VFX है, जो विजुअल इफेक्ट्स एंड एस्ट्रावर्स के जो इफेक्ट्स है, एंड बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सब, इस वजह से मैं 3.5 स्टार्स दूंगा। हाँ, नागार्जुन जो है वो एक सरप्राइज पैकेज है, हालांकि
ज़्यादातर लोग मतलब उनके परफॉर्मेंस से इतने वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि वो कभी कभार ही मतलब हिंदी में आते हैं और ज़्यादातर उनके डब्ड फिल्म्स देखे जाते हैं, तो उनको एक अच्छा खासा रोल दिया है, मतलब जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड कैमियो, उस टाइप का रोल है। लेकिन वो अपनी तरफ से जितना उनको करना चाहिए वो कर जाते हैं, लेकिन अपना छाप ज़रूर छोड़ के जाते हैं। हाँ, शाहरुख खान का एक बहुत ज़बरदस्त अपीयरेंस है, हालांकि वो डिक्लेयर हुआ है, मतलब उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, मतलब कि शाहरुख खान है, तो लोगों को उसको देख करके बड़ी खुशी होगी, बिकॉज आफ्टर ज़ीरो ये मतलब इस फिल्म में उनकी बहुत ही अलग टाइप की किरदार है, और VFX में और थ्री डायमेंशनल में शाहरुख खान को देखने के बाद उनके जो खास फैंस है, तो शाहरुख खान को देख के मुझे लगता है कि बहुत ही फिदा हो जाएंगे उनको, क्योंकि बहुत ही यंग और हैंडसम लगता है, और उन्होंने भी अपना परफॉर्मेंस बढ़िया किया है। तो मैं ऑल द बेस्ट विश करूंगा ब्रह्मास्त्र के कास्ट क्रू और अयान मुखर्जी को। थैंक यू। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे आपके चैनल्स के लिए ये बाइट लेने के लिए मुझे काबिल समझा। मैं ये कहूँगा कि जब फिल्म पहली बार अनाउंस हुई थी विद द टाइटल ऑफ ब्रह्मास्त्र, पहले तो इसका नाम ड्रैगन था, अगर जैसे लोगों को याद हो, और जब जैसे ही ब्रह्मास्त्र नाम आया था तो हमारे मन में ख्याल आता है, जब ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं तो हमारी हिंदू मिथोलॉजी की बात करते हैं, तो उस दौरान हमें कहीं ना कहीं लगता था कि शायद ये अपनी जो हिंदू मिथोलॉजी है उससे प्रेरित इंस्पिरेशन लेके कुछ ये अपनी कहानी बनाएंगे। लेकिन फिल्म के प्रमोशंस के दौरान डायरेक्टर साहब और रणबीर कपूर कहते थे कि ये फिल्म हमारी फिल्म, ये एक फैंटेसी फिल्म है, कहीं पे भी उन्होंने मिथोलॉजी का नाम नहीं लिया। और मैं बस ये कहूँगा कि आज जब हमने फिल्म देखी और पूरी फिल्म देखने के बाद ये कहना पड़ेगा कि ये एक मिथोलॉजी फिल्म नहीं है, ये एक कंटेम्प्रेरी फिल्म है, और डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने अपनी एक फैंटेसी दुनिया क्रिएट की है, और इस चीज़ के लिए तो उन्हें दाद देनी पड़ेगी। दुर्भाग्य से हमें पहला हाफ बहुत कमज़ोर लग रहा था, और हमें डर लग रहा था कि ये फिल्म कहाँ जा रही है, एंड दैट्स लार्जली बिकॉज कुछ जो स्क्रीन पे था पहले हाफ का वो थोड़ा हमें अजीब लगा, और मैं कहूँगा कि आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है उनकी एक्टिंग भी थोड़ी ऊपर नीचे लगी। आई थिंक द सेम कैन ऑल्सो बी सेड अबाउट रणबीर कपूर, लेकिन फिर भी फिल्म के सेकेंड हाफ में रणबीर कपूर अपनी पूरी जान डालते हैं, और पहला हाफ थोड़ा कमज़ोर है लेकिन इसका सेकेंड हाफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और खासकर जो इसका क्लाइमैक्स है जो मेरे हिसाब से करीब ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू या 35 मिनट चलता है, और फिल्म का अगर मैं कहूँगा एक हीरो है तो वो है इसके विजुअल इफेक्ट्स। बहुत कम होता है कि हमें हिंदी फिल्मों में ऐसे लार्ज स्केल लेवल के बहुत ही बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मुझे याद है आई थिंक इससे पहले अगर किसी हिंदी फिल्म में मुझे सबसे अच्छे विजुअल इफेक्ट्स लगे तो वो थी तुम्बाड़, जो कि दुर्भाग्य से बहुत कम स्क्रीन में लगी थी, लेकिन उसका जो एक विजुअल अपील था कि वो उस दुनिया में हमें लेके चला गया था। तो यहाँ कहूँगा जो फिल्म का जो क्लाइमैक्स है तो वो बिल्कुल आपको यू नो उस ब्रह्मास्त्र की दुनिया में वो आपको अट्रैक्ट करता है। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो फिल्म चलनी चाहिए प्योरली बिकॉज ऑफ इट्स विजुअल इफेक्ट्स। कुछ पहलू हैं जो शायद आपने हॉलीवुड की फिल्मों में पहले देखे होंगे, उनके बारे में मैं ज़्यादा कहूंगा नहीं, और फिल्म में कुछ चीज़ें सस्पेंस है, जो सस्पेंस रहे तो बेहतर है। बस इतना कहूंगा कि पहला हाफ जो है ये काफ़ी विजुअली स्ट्रॉन्ग है, और कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंसेज है, जैसे बच्चन साहब है और इवन मोनी रॉय, आई थिंक जो पहले लग रहा था कि शायद वो इस फिल्म की कमज़ोर कड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने ठीक ठाक काम किया, और बल्कि जो उनकी हिंदी है उन्होंने कुछ कठिन शब्द अच्छी तरह बोले हैं। तो ओवरऑल इस फिल्म को देता हूँ मैं 5 में से 3 स्टार, और मैं लोगों से गुजारिश करूँगा ये फिल्म आप देखिए, और इसे 3D में ही देखिएगा, बिकॉज इसका आनंद आप सबसे ज़्यादा 3D में ही उठा सकते हैं। माई प्लेजर। देखिए उसका विजुअल, आपने विजुअल इफ़ेक्ट्स की बात की है, सच में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़े साहस का काम है इस तरीके से फिल्म को विजुअल इफ़ेक्ट के साथ बनाना, और अयान ने अपने तरीके से अपनी कहानी या उनकी अपनी रचना है तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए फ़िल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। रणबीर को मैं बहुत पसंद करता हूँ एक एक्टर के तौर पर, उनको अप्रिशिएट करने के लिए आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए। आलिया को आप जानते हैं, आज आलिया बेंच मार्क हैं बॉलीवुड का, हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है, तो सब कुछ आपके फेवरेट हैं, इसलिए थिएटर में इस फिल्म को देखने आप ज़रूर जा सकते हैं। सर, फिल्म में नागार्जुन की एंट्री है, उनके कैरेक्टर के बारे में क्या कहें? और उनको देखने का मन करता है, जब अभी फिल्म का कोई हिस्सा मैं बताऊंगा तो वो हो जाएगा स्पॉइलर हो जाएगा, तो उनको और देखने का मन था। दो गाने मुझे बहुत पसंद हैं, केसरिया और एक दूसरा गाना भोले भोले, वो दोनों गाने मुझे बहुत पसंद हैं। क्या पसंद है सर?
दोनों ही चीज़ें हैं। आमतौर पर मैं फिल्मी गाने नहीं सुन पाता हूँ, मेरे रुक नहीं पाता है, वो आता है जाता है, लेकिन केसरिया इतना सुना सुनाया किया कि वो दिमाग में, हाँ हाँ, और फिर वो भोले भोले वाला जो है, मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उनके फैंस हैं वो खुद उसको एक्सपीरियंस करें। मुझे नहीं पता था, मैंने पढ़ा नहीं था, तो मेरे लिए वो सरप्राइज था। वो भी बहुत अच्छा है, सब ने अच्छा काम किया, सब अच्छे एक्टर हैं, इसीलिए उसमें हैं। क्रीम लोगों को कास्ट किया गया है जो अच्छा अच्छी एक्टिंग करनी है करते हैं, जिनका स्टारडम अच्छा है, कई सालों से फिल्म बन रही है, तो करण ने, अयान ने और पूरी टीम ने जिन भी आर्टिस्ट को इसमें शामिल किया है वो बहुत क्रीम लोग हैं। आप रणवीर को देख लें, आलिया को देख लें, बच्चन साहब को देख लें, नागार्जुन पूरा साउथ के स्टार हैं उनको देख लें, मौनी टीवी से गई हैं तो डाइनिंग हॉल का हर व्यक्ति उनको अच्छे से जानता है, तो उनको उस तरह का किरदार भी दिया गया है, तो हर आर्टिस्ट बहुत ही क्रीम आर्टिस्ट है जिनको लिया है। अच्छा, आखिरी सवाल सर, ये जो अभी साउथ की फिल्म देखिए, मैं कई लोगों से बात कर रहा था पिछले हफ्ते या जब से ये सब चल रहा है, कंटेंट अगर अच्छा है तो किसी का माइकल आल कोई नहीं है जो किसी फिल्म को डुबा दे या बायकॉट कर दे। एक अच्छी फिल्म, एक अच्छी कहानी हर किसी को देखना है, हर कोई उसका भूखा है, प्यासा है, तो कोई साउथ ये बायकॉट आइकॉट नहीं। एक अच्छी कहानी, मतलब वो उन्होंने बता दिया ट्रेलर में कि वो क्या चीज़ है, हमारी कुछ हमारे कल्चर से, कुछ हमारी हिस्ट्री से, उससे थोड़ा बहुत लिया है, और मैथोलॉजी बिल्कुल नहीं है, जो भी है हमारी हिस्ट्री में है और हिस्ट्री ही है। मैं 3 स्टार देता हूँ। थैंक यू। बहुत ज़्यादा लाइट है यार, थोड़ा कम करो। हाय सर, जैसा कि इसका नाम है ब्रह्मास्त्र, आपको क्या लगता है कि ये मिथोलॉजी की फिल्म? नो, इट्स नॉट ए माइथोलॉजिकल फिल्म, इट इज़ एन इमेजिनेटिव फिल्म। मिथोलॉजी से, इंडियन माइथोलॉजी से बिट्स एंड पीसेस लिया गया है। वानरास्त्र, मतलब एक्सक्यूज मी, जो नाम है, यू नो, सर्टेन नेम्स, सर्टेन सिम्बल्स, पर्हैप्स ब्रह्मास्त्र, हम लोग सब बचपन से ब्रह्म, विष्णु, महेश, इन तीनों का नाम सुनते आए हैं। वानर, मतलब वानरों का सेना, ये वो, ऑल ऑफ दिस वी केप्ट ऑन हियरिंग फ्रॉम अ चाइल्ड हुड डेज। सो मोर देन एनीथिंग एल्स आई'ड से दिस सॉर्ट ऑफ फिल्म विच इज़ टाउटेड टू बी अ फैंटेसी फिल्म, दिस इज़ अ रिलेटेबल फैंटेसी फिल्म, एंड दिस वॉज अदर वर्ल्ड ली, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एक्चुअली वॉच्ड अ फिल्म विच आई लाइक्ड फ्रॉम ऑल माई हार्ट। शूटिंग तो शादी के बहुत पहले से चल रही है, 11 साल लगे फिल्म को शूट होने में, एंड आयन मुखर्जी इज डन अ स्वेल जॉब। आई वुड एक्चुअली वांट टू टेक द प्लेटफॉर्म टू काइंड ऑफ कंग्रेचुलेट हिम, बिकॉज ही इज रियली इमेजिनेटिव राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फिल्म वेक अप सिड, एंड अगेन ब्रह्मास्त्र को लेके ही प्रूव दैट ही हैज द मुखर्जी ब्लड इन हिम। वी हैव सीन वंडरफुल स्टॉलवर्ट फिल्म मेकर्स लाइक, यू नो, देव मुखर्जी, जॉय मुखर्जी वॉज वंडरफुल एक्टर बैक इन द डे, एंड वही लीनियज है। लवली लवली फिल्म मेकर ही इज, एंड आई सिंपली लव्ड हिज फिल्म। किरदार अमिताभ बच्चन जी का किरदार, आई'ड से दैट, यू नो, ही प्लेज अ गुरु इन द फिल्म। इफ आई से अ लॉट देन इट वुड परहैप्स बी गिविंग आउट अ लॉट अबाउट द फिल्म एंड द प्लॉट, आई डोंट रियली वांट टू डू दैट, बट उनका एक ही सीन मुझे बहुत ज़्यादा ये लगा, व्हेन ही एक्चुअली, यू नो, होल्ड्स द स्वॉर्ड एंड स्टार्ट्स वील्डिंग इट, स्टार्ट्स फाइटिंग विद द स्वॉर्ड, जितने उन्होंने काटते हैं मारते हैं, वो एक चीज़ अच्छा लगा। पर उसमें बहुत ज़्यादा कट्स थे, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ अ मैन हु इज़, यू नो, बियॉन्ड 70, एंड मे बी फॉर द कैरेक्टर आयन रिक्वायर्ड अ, यू नो, फेस हु हैज़ दैट काइंड ऑफ ऑर्डर एंड दैट काइंड ऑफ, यू नो, स्टेचर इन द इंडस्ट्री, जिनकी वजह से उनके लिया गया। बट बिसाइड्स दैट, उनका तो उतना इम्पैक्टफुल नहीं था मेरे हिसाब से। आफ्टर सीइंग शाहरुख खान इन द फर्स्ट सीन, मैं वहीं पर फ्लोर हो गया, बिकॉज इट वॉज, इट इज़ अ हायटस ऑफ अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम नाउ। रिसेंटली वी सीन मिस्टर खान इन रॉकेट्री, but in this film Ramastar you actually get to see him in his real self, for that matter you get to see him in his own element, and that actually brought a lot of thrills in my entire body. I felt as though I fell in love with him all over again after all of these years. Aur ye ke bare mein kya kehna chahenge?
वही एक मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगा आयन की कास्टिंग में. आई डोंट नो व्हाट ही फेल्ट अगेन, दैट्स हिज, आई मीन इट्स हिज मनी एंड इट्स करण जौहर मनी, हिज इमेजिनेशन दैट ही एक्चुअली रोप्ड इन मोनी रॉय. बट आई पर्सनली फेल्ट दैट यू नो ही शुड नॉट हैव, ही शुड हैव गॉन फॉर समबडी हु कुड एक्चुअली डू जस्टिस टू द रोल. Somehow I felt, even after giving a really meaty role to Moni, she could not really hold her ground in the film. Sir, film mein Nagarjun ji bhi hain, Achal ji bhi hain. Aapko lagta hai ki ye South aur Bollywood ka mix kaise? Ye to mujhe Karan Johar ki kuch filmon se lag hi raha hai ki matlab he's trying to take in a lot of South actors into consideration into the bigger picture. Liger mein it was a pathetic film, but we've seen Vijay Devarakonda. He worked in a Hindi feature film for the first time. Film pit gayi, thankfully. And in this film we see Nagarjuna again, but again Nagarjuna, ये first time तो नहीं है that Nagarjuna has worked in a Hindi film. He was there, we've seen him in a lot of other films as well. So वो भी बोलना ठीक नहीं होगा. But मेरे हिसाब से जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, as long as we can get to see nice films with good actors performing the role to the T. Surprising element क्या रहा? पूरा का पूरा फिल्म ही surprising था यार. मुझे एक भी ऐसा moment नहीं लगा जब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है. Every part was understandable, every part, even though it was a fantasy film, quote unquote. Every part was understandable. Every part I felt as though, you know, it was beckoning to me as a viewer, not a critic or a reviewer for that matter. It was, the film was beckoning to me as a viewer. I loved every part of it because it was relatable. Fantasy hote hue bhi, it was relatable. जो गाने थे, all of them were situational. बहुत सारे गाने थे फिल्म में. Which actually was a hark back to the late 70s and 80s. बहुत सारे गाने हुआ करते थे, but कोई भी अचानक से गाना नहीं आ जाता था कि अचानक से गाना हो रहा है. जैसे लाइगर में था, अचानक से घटिया घटिया गाने हो रहे थे, वो भी बकवास गाने. इन दिस फिल्म एवरी सॉन्ग वॉज सिचुएशनल, एवरी सॉन्ग एक्चुअली हैड सम एक्शन दैट वॉज एंटेल टू इट. दैट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. और बैकग्राउंड म्यूजिक का क्या कहना, इट वॉज वंडरफुल. इट वॉज एक्चुअली अ ड्राइविंग फोर्स इन द एंटायर नैरेटिव ऑफ द फिल्म. 5 out of 5 without doubt. मेरा बस चलता है 10 out of 5 दे देता है. थैंक यू सो मच.